बालोद जिले के डौंडी लोहरा विधानसभा के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने चुनाव में जीत के बाद विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया। बता दें कि नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी से कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है और विधायक बनने में सफल रही। कांग्रेस भवन डौंडी लोहरा में ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और अन्य लोग भी वहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर नवनिर्वाचित विधायक का अभिवादन किया। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि अपनी जीत के लिए कार्यकर्ताओं के संघर्ष और जनता द्वारा दिए गए आशीर्वाद से अभिभूत हूं। इस क्षेत्र के सक्रिय विधायक अनिला भेड़िया जी के मार्गदर्शन में उन्होंने सिर्फ हम लोगों को एक ही फार्मूला दिया, संगठन के साथ में हमको रह करके काम करना है। और उस संगठन के साथ में रह करके लगातार अनिला दीदी के द्वारा किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए, वैसी उसी तरह से भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम को, हर कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम हमारे बूथ सेक्टर और जेएम के माध्यम से हम लोगों ने इतना प्रयास किए कि विपक्ष को कभी भी हमने नाम लेने का भी उनको अवसर नहीं मिला। उनको उसने क्या किया है, काम क्या नहीं किया है, इसको हमको बोलने का मौका ही नहीं मिला। हम अपने ही कार्यक्रमों को इतनी संजीदगी से रखे कि जनता ने बहुत ही उत्साह के साथ सुने भी और अपनी जिम्मेदारियों के साथ में उसने महसूस किया कि इस क्षेत्र में कांग्रेस का ही परचम लहराना चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनसे खासा नाराज।